तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का सिलेबस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में अगर बात करें तो सेमेस्टर थ्री का सिलेबस हम लोग बात करेंगे सेक पेपर का, ठीक है, जो कि सभी के लिए कंपलसरी है। और कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेमेस्टर थ्री सेक, सेक में आपको पढ़ना है। सेक का फुल फॉर्म जान लीजिए, सेक का फुल फॉर्म होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। ठीक है, सेक का फुल फॉर्म क्या होता है? स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। और इसमें आपको पढ़ना है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ये पेपर का नाम है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस पेपर का नाम है। ठीक है, पेपर को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंग्लिश में था, हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। अब देख लेते हैं तो पेपर में पढ़ना क्या है। पहली बात, ये जो टोटल मार्क्स है 75 मार्क्स का है, 75 नंबर का है पूरा का पूरा पेपर। ठीक है, और यहाँ पे पास मार्क्स दिया है आपको 75 में 30 नंबर लाने होंगे तो आप इसमें पास हो जाइएगा। ये पेपर अभी तक जितने भी यूनिवर्सिटीज में हुआ है, ठीक है, सब में आपका सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हुआ है। ठीक है, तो ये पेपर सब्जेक्टिव में आएगा या ऑब्जेक्टिव में आप कहना मुश्किल है, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तभी आप पता चल पाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सब्जेक्टिव में आएगा पेपर। पेपर सब्जेक्टिव में आए या ऑब्जेक्टिव में उससे मतलब नहीं, बस आपसे बनना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इतिहास। जैसे बात करें रांची यूनिवर्सिटी में, ये पेपर सेमेस्टर टू में था। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर टू में था। नीलाम्बर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है पलामू में, वहां पर भी सेमेस्टर टू में था। और कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, सॉरी SKMU है दुमका में, वहां पर भी ये सेमेस्टर टू में था। आप लोगों का सेमेस्टर थ्री में है। ठीक है, और उन जगहों का मैंने पेपर अपलोड कर दिया, उस पेपर को देख लीजिएगा, सेम वही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पेपर उन लोगों का ऑब्जेक्टिव में आया था और शायद SKMU का सब्जेक्टिव में आया था। ठीक है, देखते हैं यूनिट वन। इसमें आपका जो क्वेश्चन है, यूनिट वन में पढ़ना है आपको लॉजिक के बारे में। ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन, फिर आपका स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट, ये आपका लॉजिक जो है रीजनिंग का चैप्टर है, रीजनिंग। ठीक है, जो हम लोग कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं। दूसरा यूनिट है आपका एलिमेंट्री अरिथमेटिक। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति एंड रैपिड मेथड ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन करने का जो तेज गति का नियम होता है वो आपको जानना है। फिर पढ़ना है अप्रोक्सीमेशन, जो मतलब एकदम असन्न तक मान होता है। डेसिमल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रेशियो यानी कि अनुपात के बारे में पढ़ना है, तो इसको हम लोग देखेंगे अभी हिंदी में। फिर है आपका मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में पढ़ना है, और फिर पढ़ना है एस्टेटिक्स के बारे में यानी कि सांख्यिकी के बारे में। ठीक है, चलिए मैं हिंदी में करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। और ये कुछ रेफरेंस के बुक्स हैं, सजेस्टेड बुक्स, जो आप इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये बुक्स आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में मदद करेगा, लेकिन आप लोग गेस्ट पेपर पढ़ते हैं मुझे मालूम है ना। चलिए देखते हैं। तो इकाई यूनिट है वन, इसमें आपको पढ़ना है लॉजिक यानी कि तर्क, हिंदी में बोलते हैं तर्क। तर्क किसे कहते हैं? परिचय, कथन, कथन का सत्य मान, कथन का निषेध, मिश्रित मान, मिश्रित कथन, तार्किक संयोजक, पुनर्शक्ति, ये वाला है। फिर आपका प्रारंभिक अंक गणित संख्या, जिसमें आपका संख्या प्रणाली है, मतलब विपरीत कथन, सकारात्मक कथन। एक बात बताऊं, ये पेपर जो है ना इंग्लिश में आएगा, हिंदी में नहीं आएगा, इसलिए हिंदी में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी तक जितना भी यूनिवर्सिटीज में एग्जाम हुआ, जितना भी मैंने नाम बताया, उन सभी यूनिवर्सिटीज में पेपर इंग्लिश के फॉर्म में आया था, हिंदी में नहीं आया था। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश को ही पढ़ें। ठीक है, तो ये रहा आपका सांख्यिकी, सांख्यिकी की परिभाषा, सांख्यिकी के डेटा की विशेषताएं। ठीक, तो मैं इंग्लिश में ही आता हूँ, मैं हिंदी को बस दिखा दिया। पेपर आपका इंग्लिश में आएगा, 90% संभावना है कि पेपर इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन, लॉजिक किसे कहते हैं, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, ट्रूथ ऑफ वैल्यू। ठीक है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। फिर आपको पढ़ना है नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। ठीक है, देन आपको पढ़ना है कंपाउंड ऑफ मिक्स्ड स्टेटमेंट, देन पढ़ना है लॉजिकल के बारे में। ठीक है, लॉजिकल कनेक्टिविटी एंड ये टोटोलॉजीज, जो कि मतलब जो ट्वेल्थ साइंस के हैं उनके लिए इजी होगा, बाकी आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए तो ये टफ है। ट्वेल्थ साइंस जो मैथ लेके पढ़े बस उन्हीं के लिए इजी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर है आपका
इम्प्लीकेशन, देन है आपका यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, और फिर है आपका कन्वर्जन स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, वैलिडेशन स्टेटमेंट, ये आपके पढ़ने हैं। बोलिएगा ये सब मैं वर्ड फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, क्या जानूंगा इन सब के बारे में, ठीक है। तो देखिए मैं भी वर्ड फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को जैसा लग रहा होगा कि ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है, मतलब पढ़ा है, बस वर्ड ही पढ़े हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने भी जब ट्वेल्थ किया था तो आर्ट्स था, मेरा ग्रेजुएशन भी आर्ट्स से है, तो इन सब के बारे में मुझे भी उतना नॉलेज नहीं है, ठीक है। हाँ, बाकी कॉम्पिटिटिव मैथ रहेगा तो मैं उसको सॉल्व करके दिखा दूंगा। आगे देखते हैं एलिमेंट्री अरिथमेटिक के बारे में, ये थोड़ा इजी है, इससे ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है पूरा का पूरा, सब रीजनिंग का कथन निष्कर्ष जो होता है ना, कि कुछ भेड़ गाय है, कुछ गाय बकरी है, कोई भी बकरी गाय नहीं है, वैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो फिर आपका नंबर सिस्टम एंड रैपिड मेथड ऑफ कैलकुलेशन, यानी कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, ठीक है। आगे देख लेते हैं रैपिड मेथड कैलकुलेशन के कुछ आपको ट्रिक्स जानने होंगे इसमें। फिर है आपका यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन, यानी कि जो एकदम सन्निकट मान होता है, ठीक है। फिर आपको डेसिमल के बारे में जानना है, रेशियो यानी कि अनुपात के बारे में जानना है, प्रोपोर्शन समानुपात के बारे में जानना है। देन आपका यहाँ पे एडवांस एरिथमेटिक पढ़ना है, जिसमें आपको परसेंटेज जानना है यानी कि प्रतिशतता। फिर आपको पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, सरफेस एरिया एंड वैल्यू, ठीक है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के बारे में भी पढ़ना है आपको, ये इजी है थोड़ा सा उसके मुकाबले, ठीक है। बाकी जब इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा तो मे भी बहुत से लोगों को समझ में ना आए तो दिक्कत हो सकता है आपको। फिर है आपका मैथमेटिकल इंडक्शन, इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, फिर आपको पढ़ना है मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशनल वीडियो नहीं मोटिवेशन, ठीक है। देन है आपका यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में पढ़ना है, फिर पढ़ना है आपको प्रोग्रेशन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ एपीजीपी एंड एचपी, ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इन सब के बारे में पढ़ना है, जीपी और एचपी सब प्रोग्रेशन है ये आपका, ठीक है। और अंतिम है यूनिट 4, जिसमें आपको पढ़ना है स्टैटिक्स के बारे में, ठीक है, यानी कि सांख्यिकी, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी की परिभाषा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स स्टैटिकल डाटा, ठीक है, कि उनकी क्या विशेषताएं होती हैं स्टैटिकल डाटा के, यानी कि सांख्यिकी की जितने भी डाटा होती हैं। फिर पढ़ना है आपको नेचर ऑफ स्टैटिक्स यानी कि स्टैटिक्स की किस प्रकृति है। फिर आपको पढ़ना है लिमिटेशन के बारे में स्टैटिक्स, यानी कि कहाँ तक इनकी सीमाएं हैं। फिर पढ़ना है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डाटा, देन पढ़ना है यहाँ पे आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर पढ़ना है आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, देन आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, यानी कि केंद्र प्रवृत्ति की माप, इसमें आपको पढ़ना है मीन मीडियन मोड यानी कि माध्य माध्यक बहुलक। फिर पढ़ना है क्या है आपका क्वार्टिलाइज पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है डिसाइल्स एंड परसेंटेंस, ये सब भी मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, ठीक है, परसेंटाइल्स के बारे में पढ़ना है। आगे देख लेते हैं, तो फिर आपका यहाँ पे मेजर्स के बारे में, मेजर्स ऑफ डिस्पिरिजन, वही है जी डिस्पिरिजन, ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है रेंज यानी कि परास, फिर पढ़ना है आपको यहाँ पे एंटर क्वार्टाइल के बारे में, एंटर क्वार्टाइल रेंज, फिर आपका क्वार्टाइल डिविएशन के बारे में पढ़ना है, विचलन के बारे में, मीन डिविएशन माध्य विचलन के बारे में, स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में पढ़ना है, कोरिलेशन के बारे में पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रायिकता के बारे में पढ़ना है, ठीक है, फिर आपका मेजर ऑफ केवनेस, तो इन सब के बारे में पढ़ना है। आप बोलिएगा मुझे तो कुछ दिमाग में नहीं घुस रहा है, आपको लग रहा होगा ना, हाँ भाई दिमाग में तो नहीं घुसेगा, क्योंकि जो आर्ट्स वाले कैंडिडेट है उसके दिमाग में बिल्कुल नहीं घुसेगा, ये यूनिट 4 थोड़ा बहुत घुसेगा, इसमें मेन मीडियन वाला घुसेगा, ये जो है आपका कोरिलेशन, ये आपका इंटर लेवल का सिलेबस है, ठीक है। अगर आपने इकोनॉमिक्स लिया होगा तो आपने पढ़े होंगे कोरिलेशन वगैरह के बारे में, मीन डेविएशन के बारे में, अदरवाइज ये साइंस का टॉपिक दे दिया है, ठीक है, तो साइंस का है एपीजीपी, एपी के बारे में थोड़ा कोई पढ़ता है टेंथ में, जीपी और एचपी के बारे में तो नहीं पढ़ा है, ठीक है, ये आपका इंटर साइंस का है, मतलब जो ट्वेल्थ साइंस है ना वही सिलेबस है उसका, 20-25% सिलेबस यहाँ पे है, ठीक है। अब बोलिए कैसे होगा, देखिए इसके लिए मैं कहूंगा कि सजेस्ट करूंगा, अगर कोई ट्वेल्थ जो मैथ लेके पढ़ा है साइंस से, ठीक है,
कोई घर में जरूर मिल ही जाएंगे भैया वगैरह, ठीक है, या दीदी वगैरह, तो उनसे पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज जो साइंस के टीचर हैं, ठीक है, उनसे ये सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा, मैं डायरेक्टली क्लियर शब्दों में बोल पाऊंगा दोस्तों कि ये सब्जेक्ट मुझसे नहीं होगा, ठीक है, मैं इसका मास्टर नहीं हूँ, मैं इसे नहीं पढ़ा पाऊंगा। झूठ मूठ का कहे बोल के आपका रखूंगा कि मैं करवा दूंगा, नहीं होगा मुझसे, ठीक है। आउट ऑफ मतलब क्या बताऊं, मैंने इसको कभी नहीं पढ़ा है डिटेल में, उतना डिटेल में, तो मैं आपको इसको नहीं पढ़ा पाऊंगा। इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं कि मेरे भरोसे मत रहिएगा इस सिलेबस का। पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप इसे किसी ट्वेल्थ जो साइंस लेके पढ़ा है, मैथ लेके, पीसीएम लेके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो उस मैथ वाले से जो पढ़े होंगे अच्छे से मैथ ट्वेल्थ में, उनसे आप इसको पढ़ लीजिएगा और इंग्लिश में पढ़िएगा, ठीक है, हिंदी में नहीं। सब चैप्टर को एक एक करके पढ़िए, नहीं तो इसी पेपर में आप फेल कर जाइएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसी पेपर में फेल करते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, बाकी सिलेबस मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, याद रखिए, अगर आप फेल कीजिएगा तो यही एक सब्जेक्ट है जो आपको फेल करवा सकता है, बाकी किसी सब्जेक्ट में दम नहीं कि आपको फेल करवा दे सिवाय इसके, ठीक है। चलिए, इंग्लिश से भी ये टफ है अगर आप नहीं समझ पाए तो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।